पहला में सरसों का तेल लेके पूरा लगाया जाता है, पूरा दाना इसमें कंप्लीट हो गया है। हेलो गाइस, गांव ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज दिवाली है, सबको मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी दिवाली, और सबको अच्छा से दिया हुआ जलाइएगा और फटेका कम जलाइएगा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस, दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि राम और लक्ष्मण और लक्ष्मण के भाभी सीता, तो वो 14 वर्ष से वनवास कर रहे थे, तो फिर वापस लौट के आए। जब ख़त्म हो गया 14 साल तो ख़त्म हो गया, तो वापस आए घर। तो उस दिन सब घर महल को डेकोरेशन दिया से पूरा सजाया गया था, इसलिए दिया जलाया जाता है। तो आज ही के दिन वापस आए थे। दिया जलाने के बाद गाइस से होता है लक्ष्मी पूजा, फिर होता है आता है सोहराई, आदिवासी लोग सोहराई मानते हैं। तो सोहराई उसमें होता है कि जितने भी घर में है ना गाइस जानवर वगैरह, वो सबको दाना उना खिलाते हैं, नहलाते हैं, धोलाते हैं, नेक्स्ट डे होता है। तो आज केवल दिया ही जलाएंगे, तो वो सब भी दिखलाएंगे आप लोग इस वीडियो में। तो आज चलिए दिया जलाते हैं और डेकोरेशन देखते हैं। तो गाइस, इसको बोलते हैं टट्टी, ये है दिया। इसमें अभी पानी में फुलाया गया है, क्योंकि इसमें पानी में इसलिए फुलाएं ना गाइस कि तेल बहुत कम खींचेगा, नहीं तो तेल को सोख लेगा ये। और आजकल दिया इतना महंगा हो गया ना गाइस, बहुत ज़्यादा। और दिया महंगा होने की वजह से ही सारा घर में इलेक्ट्रिक वाला आजकल डिजिटल हो गया ना गाइस, तो इसलिए डिजिटल वाला दिया जलाता है सब कुछ। और करंज का तेल से हम लोग जलाते हैं दिया, तो दिखलाते हैं आप लोग को दिया कैसे जलाते हैं। कार्यक्रम पहले स्टार्ट हो जाने की वजह से मैंने 3 दिए छत के ऊपर लेकर आया, और ये रहा बोतल, इसमें करंज का तेल है गाइस। और ये बत्ती है, वाइट दिख रहा आप लोग को बत्ती, ये बत्ती है, ये सूती कपड़ा से बनाया गया है, रेडीमेड वाला नहीं है। और तीनों दिया मेरे पास ना गाइस, ये तीनों पुराना वाला है, अगले साल वाला, देख पा रहे होंगे आप लोग। और इसमें तेल डाला जाता है करंज का, ये करंज का तेल है। तो गाइस, मेरे दादाजी बोलते थे ना कि एक ही सांस में तीनों, यानी जितना भी टट्टी आप भर पाएंगे ना उतना, एक ही सांस में जितना भरने पाएंगे उतना भरना चाहिए, तो एक ही सांस में भरना चाहिए। और इसके बाद सेरता यानी बत्ती, उसको पूरा भिंगो देना है ताकि ये अच्छा से जल पाए, और जल्दी जलेगा, माचिस का बर्बाद नहीं होगा। तो गाइस, सबको भिंगाओ देते हैं, उसके बाद जलाते हैं। और दोस्तों, दिया को टट्टी को यानी पूरब दिशा में ही रख कर जलाइएगा, पूरब दिशा शुभ माना जाता है, इसलिए पूरब दिशा में दिया को रख के जलाइएगा। और आज अमावस के रात भी है, इसलिए सतर्क भी रहना पड़ता है। तो गाइस, हम लोग इस प्रकार पूरा हर दरवाजे, हर छत के कोने कोने, घर आंगन में इस प्रकार हम लोग ने दिया जलाया, और मूर्ति में भी जलाया, इस प्रकार देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो गाइस, इस प्रकार हम लोग दिवाली मनाए, और आगे सोहराई वाला भी देखिएगा, आगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। The next day. अब आता है गाइस सोहराई का दिन, इसमें जीव जंतु को, पशु, जितना भी घर का जानवर है ना गाइस, वो सबको नहलाया जाता है पूरा बढ़िया तरीका से, साबुन उबुन से पूरा रगड़ रगड़ के, क्योंकि साल भर में तो एक बार नहलाना पड़ता है, तो इसको नहलाते हैं पूरा अच्छा से। और दाना इस प्रकार बनाया जाता है, इसमें बहुत सारा मिलाया जाता है घर में जितना भी रहता है, उड़द वगैरह, उड़द बोदी और चना, मड़ुआ हो गया, रागी मड़ुआ, तो ये सब गेहूं वगैरह को मिला के दाना बनाया जाता है। ये इसमें देखिए पूरा दाना इसमें कंप्लीट हो गया है। और दिया जलाया जाता है गुहार में, जिसमें गाय वो सब रखते हैं उसको गुहार बोला जाता है, उसमें दिया जलाया जाता है। बैल को गुहार में घुसाने के बाद गाइस सींग में, सिर में, पहला में सरसों का तेल लेके पूरा लगाया जाता है, देख पा रहे होंगे इस प्रकार। और भी नियम है गाइस, जैसे कि देख पा रहे होंगे अभी
लोटा में पानी लेके पैर का बैल का पैर को धोया जा रहा है। फिर आम का रहती पत्ता से पूरा छिड़कते हैं ऊपर। फिर धुआं धूप चला के पूजा जो भी करना है वो चीज किया जाता है। सोहराय का मतलब होता है ना गाइस कि पशुओं को प्यार जताना, प्यार करना, और यही तो लक्ष्मी है गाइस। हम लोग को यही किसान सबको खेतों का जुताई करके फसल उत्पाद कराते हैं गाइस। पूजा ख़त्म होने के बाद गाइस अब आता है दाना देने का टाइम। तो सूप में दिया जाता है दाना, देख पा रहे होंगे इस प्रकार, और नया सूप में ही दिया जाता है। सूप हो दौरा हो उसमें दिया जाता है, लेकिन हम लोग पास पुराना सूप है, नया सूप नहीं है, एक ही नया सूप है, तो इसलिए सूप में दिया जाता है। और दौरा वगैरह में बांस का बनाया हुआ हमें, तो देख पा रहे होंगे इस प्रकार खा रहे हैं हमारे बैल। अब आता है बकरी का टाइम, तो बकरी का भी सेम प्रोसेस है गाइस, वैसे ही किया जाता है। तो बस यही रहा गाइस, सोहराई में इस प्रकार दाना खिलाया जाता है घर का जितने भी पशु वगैरह है वो सबको। तो गाइस मेरी ओर से सबको सोहराई फेस्टिवल का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ही बढ़िया सोहराई जत्रा आने वाला है, वो सबका वीडियो आप लोग को दिखलाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड बाय बाय। और सबको ही प्यार वगैरह सब जताते रहिएगा पशु पक्षियों से। बाय बाय।